ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਦੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਨ ਜੇ अभी 15 मिनट नहीं हुए। अपनी लत अपने हथी ला के मेरे पैर में सुट गए। गल की है कि पाकिस्तान को आए ने जिन्ने हुण बच्चे वाले मैं अंदर भाई नु दसना चाहता हां कि 28 साल तू मैं दो बारी जदू लाहौर आना आया त्रालू वर्गे पट्टा मेरे च बट धर छाती तोलना पा त्रैपा चाहता घट ना मेरा पूरा बट मैं गुजरात तू आया यूके होना आ जट दे खाक तो बचन दी आखरी सूरती बस ओए मैंने ते कदी किसे दी दुआ नहीं लगी बद्दुआ किवें लग सकदी जी मेरे साथ है आशिक भी है राज साहब दे उसके फैन भी है उसके गुलाम भी है क्योंकि राज साहब अल्लाह ताला ने एक ही पैदा किया था पूरी दुनिया में एक ते अगे मेरा खुदा जो मर्जी है बना सकता है जो खुदा जो है पर राई वो था जो एक मनका तस्वीर में अल्लाह ताला ने अनायत कर दिया था पाकिस्तान को और पूरे मुल्क में अल्लाह ताला ने उसकी रुचनाई थी और मेरा दिल करता था कि मैं पंजाबी ना गल करा ते हुण तुसी आ दसो तुसी आ जेड़ा गैडअप कीता है राई साहब वाला है ए किवें शो ते जी फिल्मां भी ओदियां वेखदे सा अच्छा हुण चाहदे भी सा जी उहनूं ते फिर ये शौक भी पूरा कीता ते अल्लाह ताला ने फिल्म च भी काम दित्ता जी हैदर सुल्तान माशाल्लाह केड़ी फिल्म कर रही बाबुल वीर इधर देख अल्लाह ताला लियाए कि राई साहब का खून तो है साढ़े को शक्ल भी चेहरा भी है अल्हम्दुलिल्लाह नूं खुदा करे कि गैडस भी हो जो अल्लाह ताला ने दिते भी गैडस डर भी रहने कम पर अंदरस्त की पूरी डाउन हो गई दुआ सारे ये कर सुनने वाले भी देखने वाले भी कि अल्लाह ताला इसको मुड़ के बहाल करे फिर एक राज दुनिया से पैदा हो गए वो हैदर सुल्तान साहब ने राज के गाली असं खलो के गल कर रहे हैं हाँ जी अल्लाह ताला ने टाइम दिता है ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੰਡਾਸੇ ਦੀ ਤਾਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੱਤ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਲੋ ਸੂਨ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਓ ਥਾਣਾ ਦਰਾ ਤੈਨੂੰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ तू मेरा काम करना खाना पुटना नहीं सलाम करना तेन राणी बाई ने होश कर थानेदार तेन तेरे इस इनकार मैं अपनी बेइज्जती समझा कुछ नुत अगे नीवी कर लगाई थानेदार नहीं लगा उन्होंने रिश्तेदार लगाई रही ओ कंजरी ओनू देहो जहा सलाम करांगा
सारी जिंदगी याद करेगी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? और आज चल रहे हैं सुल्तान साहब के घर, आज उनकी 28वीं बरसी है। तो हमारे साथ हैं इस टाइम ज़ुल्फ़िकार राय साहब। जी ज़ुल्फ़िकार राय साहब, कैसे हैं आप? बरसी के आए हैं आप? जल्दी कहाँ से आए? गुजरांवाला से जनाब, और बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि गुजरांवाला में उसका मर्डर हुआ जनाब। उसके बाद जनाब फिर अंधेरों के जेरे छाया आ गए, कारखाने जो है वीरान हो गए जनाब, हर तरफ जनाब कब्रिस्तानी का जो सिलसिलाकार है वो नज़र आने लगा। तो बात ये है कि राई साहब का नेवल बदल जो है वो नहीं आ सका 28 सालों में, लेकिन हैदर सुल्तान साहब की शक्ल में दोबारा जो है ना वो समझ लेंगे इंशाल्लाह ताला। बड़े स्क्रीन पर आप राई साहब का जो है ना नेक्स्ट प्रोग्राम जो था उनकी जवानी वो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हैदर साहब के अंदर जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। रई तो बहुत सारे हैं, बहुत सारों ने रई साथ में लगाया हुआ है, लेकिन रई दुनिया में सिर्फ एक ही था, वो था अलहाज सुल्तान रई। और आप क्या करते हैं? जी मैं भी छोटा मोटा काम कर ही लेता हूँ जनाब, छोटा मोटा सा मुताब दूसरा वाला क्या के लाहौर में जनाब, तो हमें भी कैमरे का सामना करना पड़ जाता है। और हैदर भाई के साथ मेरी 5-6 फिल्में जो हैं वो मैंने की हैं, और आगे हमारी आने वाली इशक मर जाने मतलब साहब उसके जो है ना मेन डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, उसमें मैंने मेन विलन का जो है ना वो लगा दिया। तो इंशाल्लाह ताला आवाम को पसंद आएगा, लेकिन ये है कि जूनियर को साथ लेके अगर सीनियर साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिल्म इंडस्ट्री जो है ना अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। अगर सीनियर जूनियर के को थापड़ा देंगे, प्यार करेंगे, उनको सिखाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला जो जूनियर है वो भी इंशाल्लाह एक ना एक दिन सीनियर बन जाएगा। तो आपने कभी राई साहब के साथ किया है काम? राई साहब के साथ काम मैंने किया एस करेक्टर को पूरे करो। ये है कि जनाब 17 साल की उम्र में मेरी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त मैं बच्चा था। तो सारी बात है जनाब, जब मैंने पूरा कंप्लीट जवान होना था तो फिर उनके साथ होना था, लेकिन ये है कि मुलाकात रहती थी, उन्होंने रूहानी बेटी दी, फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं रूहानी बेटा हूँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, यार की खातर आए हैं जनाब, दिलदार की खातर आए हैं, बाप की खातर आए हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह की खातर आए हैं। और आगे का क्या प्लान है? आगे इंशाल्लाह ताला जनाब वागू हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि मालक ने सब्जेक्ट लहता चढ़ता पंजाब फिक्स होके जनाब हम भी दोबारा जो है खुशियाँ लेके हैं लोगों के घर में, क्योंकि इस वक्त लोग मुकम्मल तौर पर परेशान हैं। कॉमेडी फिल्में जो है वो बने दोबारा ताकि लोगों की परेशानियाँ कम हों। महंगाई ने मार दी है, कुछ कारोबार नहीं है पाकिस्तान के, जो हालात हैं बस ये है कि दुआ को है इंडस्ट्री के लिए खास करके कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को तैनू अफसर नाल बोलन की तमीज नहीं हैगी? बड़ी तमीज सी जेड़ी दुनिया ने लीरो लीर कर दी। तू मेरा एक कम करना, खाना पकाना नहीं सलाम करना, तैनू राणी बाई होश करो थानेदारा, तेरे इस इनकार नु मैं अपनी बेइज्जती समझा, तेरे इस इनकार नु मैं